व्हाट्स अप गाइस, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे गैजेट से भरी इस दुनिया में जिसका नाम है गैजेट्स इन बजट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन गैजेट सिखाएंगे जिसे आप भी अपने लाइफ में एक बार जरूर आजमाना चाहोगे। तो बिल्कुल भी देरी न करते हुए बढ़ते हमारी पहले गैजेट की ओर। पहले नंबर पर है बड़ी प्लास्टिक फोक। दोस्तों, यह गैजेट आपके किचन को एक डेकोरेटिव लुक देता है और इस फोक की मदद से आप फ्रूट सलाद जैसे चीज़ों को खाने का आनंद ले सकते हो। इसे इस्तेमाल और वॉश करना बहुत ही आसान है। इस गैजेट को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो। दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन पॉट होल्डर। दोस्तों, कई बार कुकिंग करते वक्त हम गर्म बर्तन ठीक से पकड़ नहीं पाते और उससे स्लिप होकर गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह गैजेट हमें इन सारे चीज़ों में हेल्प करता है। सिलिकॉन पॉट होल्डर हमें ग्रिप प्रोवाइड करता है, गर्म बर्तन रखने में हमारी हेल्प करता है। इस गैजेट को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से परचेज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है गार्लिक पीलर। दोस्तों, गार्लिक छीलना काफ़ी मुश्किल होता है और इसमें काफ़ी समय भी लग जाता है। इस गैजेट के हेल्प से आप आसानी से लहसुन छील सकते हैं। आपको सिंपली इसमें लहसुन के पीस डालने होते हैं और दोनों हाथों से मसलना होता है और अपने गार्लिक पील हो जाते हैं। इस गैजेट को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से परचेस कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है हैंड ब्लेंडर। दोस्तों, हम आपके लिए एक ऐसा ब्लेंडर लेकर आए हैं जिसे ना बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी की। इस ब्लेंडर को यूज़ करना बिल्कुल भी आसान है और इसकी मदद से आप लस्सी, छाछ जैसे चीज़ें बनाने में यूज़ कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से इस गैजेट को बाय कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर है गार्लिक जिंजर ग्रेटर। दोस्तों, वैसे तो हमें हमारे घर में लहसुन और अदरक छीलने वाले प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन उसमें हाथों में इंजरीज होने का डर भी रहता है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा गैजेट जिसे यूज़ और वॉश करना बहुत ही आसान है और इस गैजेट को यूज़ करने से आपको किसी भी तरह की इंजरीज नहीं होगी। इस गैजेट को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से परचेस कर सकते हैं। नंबर पर है स्नैक्स पाउच सीलर। दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है कि हम अपने खाने वाले पैकेट्स ओपन छोड़ देते हैं, वो या तो खराब हो जाते हैं या फिर खाने लायक नहीं रहते, जैसे कि स्नैक्स, बिस्किट। तो इन्हीं सारी चीजों को फ्रेश रखने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं यह गैजेट जिसकी मदद से आप अपनी चीजें खराब होने से बचा सकते हैं। इस गैजेट को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से परचेस कर सकते हैं। सातवें नंबर पर है एग कटर। दोस्तों, वैसे तो एग हम सभी खाते हैं, बट काफ़ी लोगों को यह नहीं पता कि एग खाने से हमें विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन जैसे प्रोटीन मिलते हैं। हम अपनी लाइफ में बिजी होने के कारण एग जैसे ज़रूरी चीज़ें खुद लेना और अपने बच्चों को देना भूल जाते हैं। यह गैजेट आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है जिससे हम एग्स को स्लाइस में कट करके बच्चों को और हमारे फैमिली मेम्बर्स को सर्व कर सकते हैं। आठवें नंबर पर है राइस बाउल। दोस्तों, कई बार हम राइस, दाल, वेजिटेबल जैसे चीज़ें ठीक से वॉश नहीं कर पाते, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं राइस बाउल। इसके मदद से आप आसानी से राइस, ग्रेन्स, वेजिटेबल, नूडल जैसे चीज़ें आसानी से वॉश कर सकते हैं और यह काफ़ी अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसे वॉश और यूज़ करना काफ़ी आसान है। इस गैजेट को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से बाय कर सकते हैं। नवे नंबर पर है वेजिटेबल कटर। दोस्तों, इस गैजेट की मदद से आप ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल जैसे चीज़ें आसानी से कट कर सकते हैं। इस गैजेट में स्टेनलेस स्टील की ब्लेड लगी होती है जिसे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक कंटेनर भी मिलता है जिसे आप अपने कटिंग किए हुए चीज़ें उसी में स्टोर कर सकते हैं। दसवें नंबर पर है क्लेवर कटर। दोस्तों, कई बार हमारा किचन इतना मैसी हो जाता है कि हमें वेजिटेबल्स चॉप करने की जगह नहीं मिलती और अगर मिल भी जाए तो चॉपिंग बोर्ड की हेल्प लेने पड़ती है, लेकिन यह गैजेट आपका स्पेस और टाइम दोनों बचाते हुए आपका काम आसान कर देता है। इस गैजेट के हेल्प से आप पोटैटोस, ऑनियन जैसे चीज़ें इजीली एंड क्विकली कट कर सकते हो।
इस गैजेट को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसे यूजफुल गैजेट्स की वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।